रूस ने सीडॉप्स के लिए अपने सबसे शक्तिशाली विमान Su-35 फाइटर को हथियार बनाया, क्या यह संकेत एक प्रमुख यूक्रेनी आक्रामक हो सकता है? जनवरी में रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि वायुसेना संघ राज्य की प्रतिक्रिया शक्तियों के सर्वेक्षण के एक घटक के रूप में Su-35 मल्टीरोल दावेदारों को बेलारूस में स्थानांतरित कर रही थी। वर्तमान में जैसा कि यूक्रेन का हमला पूरी शक्ति में है, इन दावेदारों का कथित तौर पर रूस द्वारा यूक्रेन पर उपयोग किया जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की घोषणा के बावजूद कि उनका देश नेटो में शामिल नहीं होगा और वह लुहानस्क और डोनेट्स्क की स्वतंत्रता के मुद्दे पर समझौता करने को तैयार होंगे, रूसी सैनिकों ने देश पर हमला जारी रखा है। उस पृष्ठभूमि में रूसी एयरोस्पेस फोर्सेज VKS के Su-35 फ्लैंकरी लड़ाकू जेट ने देश के जमीनी हवाई रक्षा नेटवर्क को बेअसर करने के प्रयास में यूक्रेन के ऊपर दुश्मन के हवाई रक्षा SIAD मिशनों का दमन करना शुरू कर दिया है, जेंस ने सूचना दी। सीर दुश्मन की सतह आधारित वायु रक्षा को दबाने के उद्देश्य से सैन्य कार्रवाइयों को संदर्भित करता है, जिसमें न केवल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM और विमान रोधी तोपखाने AA शामिल हैं, लेकिन पूर्व चेतावनी रेडार और कमांड नियंत्रण और संचार C3 कार्यों जैसे परस्पर जुड़े सिस्टम, साथ ही हवाई हमलों के लिए अन्य लक्ष्यों की पहचान करना।